असल में वो दिमाग की शरियाने जो है ना वो बिल्कुल काम करना छोड़ गई हैं। कौम ने उसके जवाब देने हैं कि मुझे क्यों डाला जो अंदर बैठा हुआ है, इनके मुझे क्यों निकाला, ये निकालने डालने में पाकिस्तान चल रहा है। नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा वो जिंदा ने? आपके सबका वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब होने भाई साहब नहीं है, कख भी नहीं लगते। टाइम पूरा हो गया, अभी जाया कर देंगे मियां साहब। मरियम नवाज साहब नहीं, मैं फॉलो नहीं किया उन्होंने कभी टिकटॉकर ने। ये मरियम नवाज साहिबा की बात कर रहे हैं? मरियम एक तो बेटी है उसकी, और तो बाकी का मुझे इलम नहीं है, लेकिन उसकी कागजी बेटी एक ही है। अस्सलाम वालेकुम, डबल एम न्यूज़ हब के साथ मैं हूँ रेहान हैदर। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये सवाल एक बार फिर से आवाम को कर दिया कि मुझे क्यों निकाला। चलते हैं आवाम की जानिब और जानते हैं कि मियाँ साहब को आखिर क्यों निकाला था और ऐसा कौन सा जवाब है जो अभी तक उन्हें नहीं मिला। वो बार बार यही सवाल दोहराते हैं, मुझे क्यों निकाला। तो वहाँ में जाकर पूछेंगे कि आप मियाँ साहब को क्या जवाब देना चाहते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काका भाई किधर घूम रहे हैं? बस मैं यहाँ पे मार्केट में आया था चाय पीने, सर बड़ा दर्द कर रहा था सर्दी की वजह से। सर्दी की वजह से? हाँ जी, मैं उलट हूँ। आप उलट कैसे? मैं उलट हो जाता हूँ सोते हुए, कौन सा पता चलता है बंदा सीधा या उलट है। अभी तो जाग रहे हैं। बिल्कुल जाग रहे हैं। मियाँ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि आखिर मुझे क्यों निकाला, बताएं क्यों निकाला। उफ़, मुद्दतें गुजर गईं, तेरे गिले ना गए, वो गए कहाँ गए, हम आए तो बहार आई चमन में। मियाँ साहब अभी भी वहीं पे ही हैं। मैंने मुझे क्यों निकाला भाई, उन्हें जवाब नहीं मिला अभी तक। वो जवाब लेने के लिए आज आवाम में आए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बच्चे थे कज़न्स, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के ना गाँव में खेल रहे थे, दरख्त के ऊपर चढ़े हुए थे। बच्चों को खेलते खेलते ना एक बच्चे को उसमें धक्का लगा, बच्चा नीचे गिर गया, बाकी सारे ऊपर। उसने ऊपर मुंह किया और पूछा मुझे क्यों गिराया। अच्छा, नई टर्म आ गई है, मुझे क्यों गिराया। वो सब ने हंसे, यार तू गिर गया फिर क्या, फिर ऊपर आ जा, किसी का हाथ पकड़ ऊपर आ जा, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है अगर तू गिर गया तो, किसी का हाथ पकड़ ऊपर आ जा। अब वो ऊपर नहीं जा रहा, बार बार यही कह रहा है मुझे क्यों गिराया, मुझे क्यों गिराया। ये हाल मियाँ साहब का है। अच्छा, हाँ जी, सब कुछ अपना है, बेटी अपनी सीएम है, भाई पीएम है, ना एएम देख रहे हैं ना पीएम देख रहे हैं, 24 घंटे हमें मार पड़ रही है। अपने पीएम है, अपने सीएम है, एएम भी अपने हैं, मगर फिर भी वही रेट है, मुझे क्यों निकाला। एक कह रहा है मुझे क्यों डाला, जो अंदर बैठा हुआ है उसको जवाब नहीं मिल रहा। अभी कौम ने उसको भुगतना है, अगर अल्लाह करे वो बाहर आ गया, कौम ने उसके जवाब देने हैं कि मुझे क्यों डाला, इनके मुझे क्यों निकाला, ये निकालने डालने में पाकिस्तान चल रहा है। केड़े मियाँ? मियाँ नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, जिंदा ने? कहाँ रह रहे हैं आप? मैं पाकिस्तान के घर अपने रह रहे हैं, वेले। आपके सबका वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ होने भाई साढ़े नहीं है, कख भी नहीं लगते साढ़े। उन्होंने सवाल किया आवाम से मुझे क्यों निकाल, तो उन्होंने मसला उन्होंने कढ़ना ही सीगा यार, टाइम पूरा हो गया, अभी जाया कर देंगे मियाँ साहब मुलक जरा के। टाइम किसका पूरा हो गया? बाहर आंदा मुझे क्यों निकाला, कढ़न का टाइम आ गया सी, तो हम जाना सी, आ भी तो गए हैं तो वापस किड्डे। दोबारा वही सवाल कर रहे हैं, वही पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों निकाल। यार उन्होंने नहीं पूछना चाहिए, जोड़ा इज्जतदार बंदा होंगे ना वो तो चुप, गैरत ना वैसे ही चुप कर जाता हों, तो पता नहीं उन्होंने ना उन्होंने वाल है ना गैरत। उन्होंने एक और लीफ भी दिया 14 रुपये का, 200 से 500 यूनिट तक जो सार्फिन इस्तेमाल करें देता। यार वो की है भाई, की है नवाज शरीफ, कुछ भी नहीं है, मिल मालिक होना हूं तो किसी का, कोई वजीर आजम तक के भाई जो है वजीर आजम है, और उनकी जो बेटी है वो वजीर आला पंजाब है। कौन? मरियम नवाज साहिब। नहीं मैं फॉलो नहीं किया उन्होंने कभी टिकटॉकर ने। भाई आपकी वो वजीर आला है होने ओ यार साडी नहीं, मेरा तो वीरे वोट पाकिस्तान में है भाई। मैं पाकिस्तान च हाँ, मेरा वोट बनया सी, मैं वोट दिता भी वो, पर वो बंदे कहते पे सू मिले ही नहीं। अच्छा, हाँ जिन्होंने दिता। और उन्होंने ये भी कहा था कि स्कूल में आने वाले बच्चों को जो है वो दूध पिलाया जाएगा। गर्मी बहुत है, दूध सोडा कर लेने। इतनी देर बाद भी वो यही कह रहे हैं, 2018 में भी यही सुनने को मिल रहा था मुझे क्यों निकाला। अब भी असल में वो दिमाग की शरियाने जो है ना वो बिल्कुल काम करना छोड़ गए हैं, तो वो जो मुँह में आता है वही बोल देते हैं। असल में वो रट जो लगी थी ना, मतलब मुझे क्यों निकाला, वो बार बार जो है ना वो रिहर्सल जो होती है ना वो होती रहती है, और वही जो है ना लफ्ज फिर मुंह बोके वापस आ जाते हैं। मियाँ साहब पर आते हैं, मियाँ साहब को कोई पैगाम दे दे या उन्हें बता दें उन्हें क्यों निकाला था। मियाँ साहब आपकी वो कहते हैं ना कि करतूतों की वजह से निकाला था, मुल्क तबाही के ध्याने पे है और ये भी तबाही के ध्याने पे हैं, और बुरा अंजाम जो है वो देखने वाले। देखना ये है बचता कौन है, मुल्क या हुक्मरान।
मुल्क बचेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और हुक्मरान जो है ना वो जाएंगे। तो आप जवाब दें ना, क्यों निकाला? मैं आवाम में आ गया, आवाम जवाब देंगे। देखिए मेरी बात सुने, आप मियां साहब के अदवार उठवा कर देख लें, आप जितने मुल्क के बुरे हालात अब बन चुके हैं, क्या इससे पहले मुस्लिम लीग नवाज़ के दौरे हुकूमत में वो सारा निज़ाम था? देखिए जो स्पोर्ट या जो सहारा लेकर सियासी पार्टीज़ आती हैं, नवाज शरीफ साहब भी वही सपोर्ट लेकर आए हैं। जिस तरह खान साहब के बारे में कहा जाता है कि खान साहब को लेकर आने वाले पछता रहे थे कि हम क्यों लाए, इसी तरह नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको भी लाने वाले पछताए थे कि हमने क्यों इनको लेकर आए थे, और फिर उन्होंने खुद निकाल भी दिया, और वो यही तो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। जो लेके आए थे उन्होंने ही निकाल दिया। डेफिनेटली जी, उन्हें निकालने की वजह तो बहुत सी थी, लेकिन मेन वजह यही थी वो चोर हैं। चोर थे ना, इसलिए निकाला है मुल्क से। चोर ना होता तो क्यों निकालना था उनको? चोर हैं, मुल्क से निकाल दिया उनको। उनको अब उनके बेटे हैं, वो इश्तिहारी हैं, उन्हें भी मुल्क से निकाला हुआ है। बेटी है वो, लेकिन इश्तिहारी नहीं है वो। इश्तिहार लगाती है वो, अपने इश्तिहार लगाती है, वो इश्तिहारी नहीं है। वो उसे नहीं निकालते मुल्क से, उसके सिर पर मुल्क चल रहा है, सारी नौजवान नस्ल उसकी कायल है। ये मरियम नवाज साहिबा की बात कर रहे हैं? मरियम एक तो बेटी है उसकी, और बाकी का मुझे इलम नहीं है, लेकिन उसकी कागजी बेटी एक ही है। जहरी बात है, निकालना चाहिए था। अब कितना उन्होंने अवाम को लूटना है, कितना खाना है, क्या करना है उन्होंने? किसी और की भी बारी आने दें, कोई इन्होंने ही अब सब कुछ करना है। कोई इतनी अवाम है, कोई क्या कहते हैं, और किसी को मौका मिलना चाहिए। कोई और लूटे ये कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, लूटे नहीं, इनकी तरह इन्होंने लूट भी लिया, कूट भी लिया। तो अब ये है कि भाई किसी और को मौका मिले। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि फलाने बंदे को दें, जो मुल्क के लिए बेहतर है। आपकी हरकतों देखी हैं, आपकी हरकतों की वजह से निकाला, और किस वजह से निकाला? मेरी हरकतों की वजह से? मियां साहब का क्या लेना? मियां साहब की हरकतों की वजह से। अच्छा हाँ, क्योंकि मियां साहब सिर्फ एक कितने अरसे से पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, तकरीबन उनको 20 ईयर्स हो गए हैं, और उन्होंने मुझे नहीं लगता कि कोई सीमेंट बजरी के अलावा भी उनका कोई काम, मुझे ऐसा काम नजर आप दिखा दें या किसी की और मुझे पकड़ के दिखा दें। यार मियां साहब ने IMF का कर्जा इतना लिया है, वो भी तो काउंट करो ना आप। यार वो तो मियां साहब ने इतने तरलों के साथ कर्जे मांगे हैं, तो आप उसको निगलेक्ट कर रहे हो, इस तरह ना करो यार। पता कितनी शर्मिंदगी का सामना करके कर्जा मांगना पड़ता है, और वापस भी नहीं देना पड़ता, बस कह देते हैं कि मैं मेरा किडना पिता फेल है तो मैं कर्जा वापस नहीं कर सकता। तो यार आप सीमेंट बजरी को, जब हमारा मुल्क ब्लैकलिस्ट होने जा रहा होता है तब मियां साहब लंदन भाग जाते हैं, कोई इनका कोई ना कोई इशू निकल आता है, कोई इनको बीमारी लग जाती है, कोई कभी क्या शेर होता तो ये इधर ही डट के मुकाबला करता। जी नाज़रीन, आपने तमाम लोगों की कीमती आरा जो हैं वो जानी, लोग शिकवे शिकायतें भी कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में तंजिया जवाब भी दिए। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।